पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ भुआ में विधायक जोगिंदर पाल सिंह की अगुवाई तले कांग्रेस वर्कर्स द्वारा डीसी कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर विधायक ने अपने वर्टो से रोड जाम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर शामिल हुए। अपने संबोधन में विधायक जोगिंदर पाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 4 साल में केवल लोगों से झूठे वायदे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा थी, परंतु कांग्रेस सरकार के समय भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम रही, पर अब भाजपा सरकार के समय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसका खमियाजा भाजपा को 2019 में भुगतना पड़ेगा। आज का जरा धरना दिता गया, ये पेट्रोल ते डीजल कीमतें वधन के उत्ते दिता गया, वो तुसी सारे लोग जानते हो, जिस वेले डीजल ते पेट्रोल के रेट वध जाएंगे फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिहड़ी मर्जी सरकार आ जाए वो कभी भी महंगाई ते कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये जिहड़ी झूठी सरकार है इन्हें कोल डीजल पेट्रोल ते सस्ता हो नहीं सकता, तो महंगाई कंट्रोल हो नहीं सकती। ये सिर्फ ते सिर्फ अपना ही लोगों का विकास करा सकते, जनता का विकास नहीं करा सकते। देश का बहुत बुरा हाल कर दिता ना, और 2019 सारी जनता जी इकट्ठी होकर नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार के खिलाफ फतवा जारी करेंगे और हिंदुस्तान की सरकार जी है कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी की सरकार बनेगी, सोनिया गांधी की सरकार बनेगी, मनमोहन सिंह की सरकार बनेगी। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह तो है ही है, ये दोबारा कांग्रेस सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। जागती लड़के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।